नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। शिक्षा पोर्टल पर कई शिक्षकों को कर दिया निष्क्रिय, अब इनका वेतन बनाने की चुनौती। भोपाल जिले के हाउसिंग बोर्ड स्कूल के शिक्षक अरुण सिंह का स्थानांतरण हो गया है। करोन स्थित जीवन ज्योति प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका विमला यादव भी इस्तीफा दे चुकी हैं, लेकिन इन दोनों का नाम पुराने स्कूल में ही प्रदर्शित हो रहा है। वहीं रतलाम जिले के माध्यमिक शिक्षक मधुवन मौर्य को उच्च प्रभार देकर दूसरे स्कूल भेजा गया, लेकिन उन्हें शिक्षा पोर्टल से निष्क्रिय कर दिया है। ऐसे एक नहीं, कई उदाहरण हैं। शिक्षा पोर्टल पर निष्क्रिय किए गए शिक्षकों व कर्मचारियों की सूची सामने आई है। एमपी स्कूल शिक्षा विभाग ने अलग अलग जिलों के 146,333 अधिकारियों व कर्मचारियों को पोर्टल से निष्क्रिय कर दिया है। इसमें करीब 122,000 शिक्षक, अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत्त, 22,500 की मौत, 2,700 का निलंबन और 18,000 ने इस्तीफा दिया है। अब इन्हें पोर्टल से निष्क्रिय कर दिया गया है। हालांकि इनके साथ ही कई पदस्थ शिक्षकों व कर्मचारियों को भी निष्क्रिय कर दिया गया है। अब इनके वेतन नहीं बन पा रहे हैं। शिक्षा पोर्टल पर जिन लाखों कर्मचारियों को निष्क्रिय किया गया है, उसका कारण उनकी मृत्यु, रिटायरमेंट, बर्खास्तगी या फिर त्याग पत्र देना बताया गया है। इनमें से कई लोक सेवकों ने खुद को पोर्टल पर एक्टिव करने की मांग की है। जेपी अस्पताल में टीएमटी की तय हुई दरें, 500 रुपए में होगी जांच, गरीबों को निःशुल्क मिलेगी सुविधा। भोपाल में हृदय रोग से पीड़ितों के लिए अच्छी खबर है। अब जेपी अस्पताल में करीब 10 साल बाद एक बार फिर महत्वपूर्ण जांच टीएमटी ट्रेडमिल टेस्ट हो सकेगी। इसके लिए टीएमटी मशीन अस्पताल आ गई है। यह जांच अब यहां मात्र 500 रुपए में हो सकेगी। हालांकि गरीब मरीजों, बीपीएल कार्ड धारी और आयुष्मान कार्ड धारियों के लिए यह सुविधा निःशुल्क रहेगी। बता दें कि जेपी में टीएमटी जांच की सुविधा दर तय नहीं होने से मिल नहीं पा रही थी। भोपाल में जेपी के अलावा एम्स, हमीदिया अस्पताल और बीएमएचआरसी जैसे शासकीय अस्पतालों भी टीएमटी जांच की सुविधा उपलब्ध है। टोल प्लाजा पर फास्टैग से नहीं कट रहे रुपए तो नगद ले रहे राशि, जानिए क्या कहता है नियम। ग्वालियर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI द्वारा फास्टैग को लेकर बनाए गए नियमों का सरेआम उल्लंघन हो रहा है। नियम के मुताबिक गाड़ी की विंडशील्ड पर फास्टैग लगा होना चाहिए, ताकि टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर उसे डिटेक्ट कर ऑटोमेटिक टोल की राशि काट ले। लेकिन ग्वालियर के आसपास मेहरा टोल, पनिहार टोल और छौंदा टोल पर कई वाहनों के फास्टैग से राशि नहीं कट रही है। खासकर जिन वाहन चालकों ने स्वयं NHAI से फास्टैग बनवाए हैं, उनके साथ ज्यादा समस्या है। फास्टैग से राशि नहीं कटने की स्थिति में टोल प्लाजा पर नगद रकम नहीं ली जा सकती है। इसके बावजूद फास्टैग स्कैन न होने पर वाहन चालकों से नगद राशि ली जा रही है। जो वाहन चालक नगद राशि देने के बजाय फास्टैग से भुगतान करने की बात कहते हैं, उनसे फास्टैग नंबर पूछकर पैसे काटे जा रहे हैं, जबकि नियम के मुताबिक ऐसे वाहनों को बिना टोल शुल्क के जाने देना चाहिए। इंदौर में सड़क पर चिपकाई कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की तस्वीर, मंदिर पर हमले का विरोध। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तस्वीर और वहां का झंडा मंगलवार सुबह इंदौर की सड़क पर चिपका नजर आया। कनाडा में मंदिरों और भारतीय नागरिकों पर हुए हमले के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए यह किया गया। कांग्रेस नेताओं ने सुबह रीगल चौराहे और गांधी प्रतिमा के आसपास सड़क पर पोस्टर चिपकाए थे। जिला कांग्रेस सेवादल के कार्यकारी अध्यक्ष विवेक खंडेलवाल, गिरीश जोशी, देवेंद्र सिंह यादव ने विरोध दर्ज करवाने का अनोखा तरीका चुना। यह पोस्टर जेब्रा क्रॉसिंग पर लगाए गए थे, जिससे रेड सिग्नल पर यहां रुकने वाले लोग इसे देख सकें। मंगलवार सुबह जो लोग भी यहां रुके वो यह पोस्टर देखने लगे। पोस्टर में इसमें कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की तस्वीर के साथ मुर्दाबाद लिखा हुआ था। देश भर के कई शहरों में कनाडा में मंदिरों पर हुए हमलों का विरोध हो रहा है, लेकिन इंदौर में हुए विरोध की चर्चा हर जगह हो रही है। इंदौर में छत्रीपुरा की घटना पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, कोई कानून हाथ में लेगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई कानून व्यवस्था हाथ में लेगा तो सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। दीपावली के दिन हिंदू समाज पटाखे फोड़ता है तो कोई कैसे रोक सकता है, और रोकेगा तो यह प्रदेश सरकार को बर्दाश्त नहीं है। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को इंदौर प्रवास के दौरान कही।
मीडिया से चर्चा में उन्होंने छत्रीपुरा की घटना को लेकर कहा कि हम सभी को साथ लेकर विकास चाहते हैं, लेकिन कोई कानून हाथ में लेगा तो पीछे नहीं हटेंगे। कानून सबसे निपटने में सक्षम है, सरकार सक्षम है। कनाडा की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं इसकी निंदा करता हूं और सिख बंधुओं का अभिवादन करता हूं कि उन्होंने सामने आकर इस तरह की घटनाओं का विरोध किया है। हाथियों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अच्छी बात है कि एमपी की आबोहवा उन्हें रास आ रही है। इंदौर में प्लॉट पर कब्जे से परेशान बुजुर्ग ने पुलिस कमिश्नर के पकड़ लिए पैर। प्लॉट पर कब्जे की शिकायत लेकर आयुक्त कार्यालय पहुंचा वृद्ध पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के पैरों में गिर गया। आयुक्त ने एसीपी को जांच सौंपी है। श्रीनगर निवासी अब्दुल सत्तार नूर मोहम्मद ने गृह निर्माण सहकारी संस्था से प्लाट खरीदा था। सत्तार के मुताबिक प्लाट पर कब्जा तो उसको मिल गया, लेकिन कुछ लोग निर्माण नहीं करने दे रहे। रहवासी अब्दुल जब्बार, उसकी पत्नी और गुंडे धमका कर भगा देते हैं। सत्तार ने 6 महीने पूर्व भी पुलिस को शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मंगलवार को वह आयुक्त संतोष कुमार सिंह के पास पहुंचा और पैर पकड़ लिए। वन विहार, राला मंडल व मुकुंदपुर में प्रवेश शुल्क बढ़ाया, नाइट सफारी भी होगी शुरू। मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय वन विहार उद्यान राला मंडल अभयारण्य इंदौर एवं मुकुंदपुर चिड़ियाघर मैहर में पर्यटकों के प्रवेश शुल्क में वृद्धि कर दी है। प्रवेश शुल्क 25 रूपए से लेकर 2,200 रूपए निर्धारित किया गया है। यह वृद्धि 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावशील की गई है। हालांकि बैटरी चलित वाहनों से भ्रमण पर बढ़ी हुई दरों का केवल 75% ही शुल्क लगेगा। इन तीनों पार्कों के प्रवेश शुल्क में हर 3 साल में 10% की वृद्धि होगी। विदेशियों से प्रवेश शुल्क 2 गुना शुल्क लिया जाएगा। अन्य वन्य प्राणी पार्कों में भी हर 3 साल में प्रवेश शुल्क 10% बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा पार्क में नाइट सफारी भी होगी। वर्षों पुराने पेंशन और सेवा नियम बदलेगी सरकार, 4 सदस्यीय समूह बनेगा। मध्य प्रदेश के 7 लाख से अधिक नियमित कर्मचारी और 4 लाख से अधिक पेंशनरों से जुड़े पेंशन और सेवा संबंधी नियमों में सरकार वर्षों बाद परिवर्तन करेगी। इसके लिए 4 सदस्यीय समूह बनाया जाएगा, जो 1 वर्ष के भीतर सभी नियमों का परीक्षण करके अपनी रिपोर्ट देगा। पेंशन नियम 1976 में संशोधन सबसे पहले इसी वित्तीय वर्ष में होगा, क्योंकि कर्मचारी आयोग इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुका है, जिस पर निर्णय होना ही बाकी है। समूह का गठन इसी माह किया जाना प्रस्तावित है। भारत सरकार पेंशनरों से जुड़े नियमों में कई परिवर्तन कर चुकी है। इसमें 25 वर्ष से अधिक अविवाहित पुत्री, विधवा, परित्यक्ता को परिवार पेंशन देने का प्रावधान है, लेकिन प्रदेश में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जीपी सिंघल की अध्यक्षता वाले कर्मचारी आयोग ने पेंशन नियम का परीक्षण करके संशोधन संबंधी अपनी रिपोर्ट वित्त विभाग को 3 वर्ष पहले सौंपी थी। इस पर विभाग ने पेंशन संचालनालय से अभिमत भी मांगा था, जो दिया जा चुका है, पर कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। बैरागढ़ में एलिवेटेड डबल डेकर ब्रिज के पिलर्स पर ही बनेगा मेट्रो का बेस। विधायक रामेश्वर शर्मा ने किया निरीक्षण। संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ मेन रोड पर प्रस्तावित प्रदेश के पहले एलिवेटेड डबल डेकर ब्रिज के पिलरों पर ही मेट्रो का बेस बन सकेगा। भविष्य में बैरागढ़ को मेट्रो रूट से जोड़ने की योजना है। पिलर पहले से ही तैयार होने के कारण मेट्रो चलाना आसान होगा। ब्रिज बनने से बैरागढ़ की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। लोक निर्माण विभाग ने एलिवेटेड ब्रिज का काम तेज कर दिया है। मंगलवार को विधायक रामेश्वर शर्मा ने एलिवेटेड निर्माणाधीन डबल डेकर ब्रिज का अवलोकन किया। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण यंत्री जावेद शकील ने उन्हें योजना के बारे में जानकारी दी। ब्रिज की लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई 24 से 26 मीटर तक है। ऊंचाई करीब 9 मीटर रहेगी। विधायक ने निर्माण के दौरान कट पॉइंट कम समय के लिए बंद करने को कहा, ताकि व्यापारियों को कोई परेशानी नहीं हो। फिलहाल मेन रोड पर बैरिकेड लगाकर काम किया जा रहा है। कुछ हिस्से में बैरिकेड लगने के बाद वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। विधायक ने परेशानी दूर करने के निर्देश दिए। ब्रिज बनने से भोपाल से इंदौर एवं उज्जैन महाकाल जाने वाले वाहनों को आसानी होगी। बैरागढ़ उपनगर में प्रवेश किए बिना वाहन सीधे रवाना हो सकेंगे। हिसार पुणे और जोधपुर बांद्रा के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। रेल मंडल रतलाम से होकर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। गाड़ी संख्या 04723 हिसार पुणे स्पेशल 10 व 17 नवंबर को हिसार से 05:50 बजे चलकर सोमवार को 11:30 बजे पुणे पहुंचेगी। यह ट्रेन रविवार को 20:18 बजे नागदा, 21:00 बजे रतलाम स्टेशन आएगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04724 पुणे हिसार स्पेशल 04
11 18 नवंबर को पुणे से 14:30 बजे चलकर अगले दिन मंगलवार को 22:30 बजे हिसार पहुंचेगी। यह ट्रेन मंगलवार को 05:35 बजे रतलाम एवं 07:08 बजे नागदा आएगी।